जय माता दी छात्रों। तो आज फिर क्लास 10th एपी 5.3 ठीक है स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में 5.2 का टोटल क्वेश्चन हो चुका था, ठीक है, जो छोड़े होंगे उसको घर से बनाने के लिए बोले होंगे, बना लीजिएगा। अब 5.3 चलते हैं। 5.3 में आपका समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, यानी कि एपी में कोई पद दे दिया रहेगा, उसका कहेगा बोलिए इसका सबका योग कितना होगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी, तो चलेंगे लिख लेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है, श्रेणी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, इसको एसएन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। एसएन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, यही आपका सूत्र होता है, हो गया। टू ए एन, एसएन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी पर निकलेगा। एन क्या होता है? पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या बटा टू, टू ए प्रथम पद, पदों की संख्या, डी क्या होता है एपी में? सर्व अंतर। चलिए तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, ठीक है। 2, 7, 12 यही है, 2, 7, 12 ठीक है, 10 पदों तक दे दिया है, 10 पदों तक क्या करना है? सबका योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो पहले छांट लीजिए, a इक्वल टू 2, b बराबर 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5, n यानी कि 10 पदों तक दिया है, n 10 हो गया। sn बराबर n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो गया। तो s n कितना 10, n कितना है 10 बटा 2, 2a प्लस n यानी 10 माइनस 1, डी यानी कि 5, कट जाएगा 5, दुदुनी 4 प्लस 9 पचे 45, ये कैसे 45 हो गया, 10 में से 9, 9 में 5 से गुना 9 पचे 45, 5 गुने 45 4 49, 490 का आधा 245 आंसर हो जाएगा, गुना कर दीजिए 5 से, आपका आंसर हो गया फर्स्ट का, ठीक है। सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड में माइनस सैंतीस माइनस तैतीस माइनस उनतीस डॉट डॉट कितने पद तक? 12 पद तक, 12 पदों तक, ठीक है। इसका अब हमें ज्ञात करना है, तो पहले छांट लीजिए, a इक्वल टू माइनस सैंतीस, d इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद, d सर्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद हो गया माइनस दे दिए पहला पद, ठीक है। चलिए अब यहां से देख लीजिए, d बराबर माइनस तैतीस प्लस सैंतीस, सैंतीस में से तैतीस जाएगा कितना बचेगा 4, d 4 आ गया, n कितना है 12, बोलिए Sn बराबर सूत्र क्या होता है? n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलिए कितने पदों तक ज्ञात करना है? 12 पदों का योग, 12 बटा 2, 2 गुने a आपका है माइनस सैंतीस प्लस n 12 माइनस 1, d आपका है 4, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा 6, 37 दुनी 74 प्लस ये 12 में से गया 11, 11 चौक 44, 74 में से 44 घटा दीजिए 0, 7 में से 4 गया 3, 36 18 180, ठीक है 180 आना चाहिए, चलिए ठीक है 180। आगे चलें, तीन नंबर, अच्छा से इसको कीजिए, ठीक है, आज रिजल्ट आया है मैट्रिक का, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है सब लड़का, ठीक, आप भी अच्छा कीजिए, उससे भी अच्छा कीजिए, ठीक है।
चलिए लॉकडाउन का फायदा उठाइए। आगे आगे है आपका तीन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, 0.6, 0.7, 1.7, 2.8 सौ पदों तक आपको ज्ञात करना है। कितने पदों तक? 100 पदों तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 100 पदों तक कैसे ज्ञात होगा, तो यहां से लिख लेते हैं। a बराबर दिया है, a बराबर 0.6, d बराबर आपका इसमें से इसको माइनस करना, 1.7 माइनस 0.6। डी बताएं कैसे निकालना है, दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, किसी में से निकाल सकते, 25वां पद माइनस 24वां पद, ठीक है। चलिए इसको देखिए, तो निकालिए, 7 में से 6 गया, पॉइंट पर क्या घटावाता है देखिए कैसे, ऐसे है 0.6 0.6, पॉइंट पहले लिख लीजिए, बाएं वाले को बाएं लिखिए, दाहिने वाले को दाहिने लिखिए, घटा दीजिए 7 में से 6 गया 1.1 आएगा 1.1। चलिए क्या आ गया, डी आ गया। एन मालूम है कितने पदों तक, 100 पदों तक। एस एन का सूत्र बोलिए, एस एन बराबर एन बटा टू, 2a + n - 1 × d, 100 पदों तक जो निकालना है, 100/2 2 × a आपका है 0.6 प्लस एन आपका 100 - 1, डी आपका है 1.1, ठीक है। ये कट जाएगा तो कितने बार में, 50। ये देखिए तो 6 × 2 कितना हो जाएगा, 12, 1.2, 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, प्लस 100 में से भी आएगा जाएगा 99 में इतना से गुना कीजिए, 99 में गुना करने 1.1 से, 11 से ही पहले कर दीजिए ना, 11 × 99 = 9, 108, 1 अंक के बाद दशमलव था, ठीक है, तो 108.9 हो जाएगा। चलिए 50 हो गया, इसको हल करेंगे, 9 × 2 = 11 हो जाएगा, 1 इसको जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ने आता है देखिए ऐसे कर लीजिए, 1 पॉइंट बोले हैं, दशमलव का दशमलव मिलाइए, मिल गया, इसमें क्या था 1.2, तो 1 यहाँ लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे, जस्ट दशमलव के जस्ट बगल में, लेफ्ट हो तो लेफ्ट, राइट हो तो राइट, इसको ऐड करना है, 9 × 2 = 11 के 1 हासिल हुआ 1, ठीक है, 8 × 1 = 10 के 0 हासिल हुआ 1, 1, 1, ठीक है, 110.1, इसमें 5 से गुना कर दीजिए 50 से, ठीक है, तो 5 0 5 5 जीरो दे देंगे, ये आपका आ गया 5505 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 3 नंबर का। आगे चलिए 4 नंबर, 4 नंबर आप बनाइएगा घर से, 4 नंबर यहाँ पर कोई दिक्कत, इसको गुना किए हैं 50 से, इतना आएगा दशमलव के बाद 1 अंक था, 1 अंक के बाद दशमलव, इतना आ गया 5505। 4 नंबर चलते हैं, 4 नंबर में 1/15, 1/12, 1/10 से 11 पदों तक, 1/15, 1/2 में आपका 12, 1/10 कितने पदों तक, 11 पदों तक ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो ये निकाल लिए, ये तो मेरा 1/15 है, क्लियर है, डी निकालिए, 1/12 - 1/15 कितना हो जाएगा, 15/12 का लघुत्तम, 15 × 2 = 30, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 5 हो जाएगा माइनस 15 × 4 = 60, 1/60 हो जाएगा डी का वैल्यू, ठीक है। एन कितना है, एन बराबर 11 है, 11 पद तक, बोलिए एस एन का सूत्र, एन बटा टू, 2a + n - 1 × d,
बोलिए 11 पदों का योग, 11 बटा 2, 2 इंटू ए आपका है 1 बटा 15 प्लस एन, बोलिए 11 माइनस 1 इंटू डी आपका है 1 बटा 60, कोई दिक्कत नहीं। 11 बटा 2 ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 बटा 15 प्लस 11 में से एक जाएगा 10, 10 में 1 बटा 60 ले गुना होगा, 10 छक्का 60, 1 बटा 6 ठीक है। 11 बटा 2 15 6, बोलिए 15 दुनी 30, 30 हो जाएगा लघुतम इसका, 15 दुनी 30, 2 दुनी 4 प्लस 6 5 30, 5 हो जाएगा 11 बटा 2 इंटू 5 4 9 बटा में 30, 11 नवा 99 बटा में 60, 3 से कट जाएगा, 3 से इसको कटा देते हैं, तितरी का 9 चाहे हाँ तितरी का 9 ये कट जाएगा 10 30, तो 11 किया 33, 10 दुनी 20, 33 बटा 20। चलिए आगे बोलिए कितना नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें दिया था, इस प्रकार के क्वेश्चन में दिया था 11 पदों तक, 11 पदों तक यानी कि n का वैल्यू दे दिया है 11। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 में देखिए तो क्या करें, 2 में नीचे का जो योगफल ज्ञात करना है, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1 बटा 2 प्लस ये आपका है 14 प्लस 84 ठीक है, 14 प्लस 84 इसी को आपको हल करके बताना है, योग ज्ञात करना है। लेकिन अब योग ज्ञात करने में एन हमको नहीं मालूम है, इसी प्रकार का 7 है पहला पद, दूसरा पद इतना, तीसरा पद इतना, इसके बाद डॉट 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 84 लास्ट 84 है ठीक है। चलिए अब ज्ञात कर लेते हैं, ए दिया है 7 है, डी निकल जाएगा ये कितना हो जाएगा, बोलिए 10 दूनी 20, 20 एक 21, ऐसे जब लिखा है तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 एक 21 बटा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 21 बटा 2 में से 7 घटाना है, 21 बटा 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा, घटाइए बटा पर घटाओ, 2 हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, तो 14 7 21, 7 बटा 2 ठीक है, 7 बटा 2। चलिए आगे अब 7 बटा 2 आ गया ठीक है, तब देखते हैं ये दिया है एक, ये एन दिया है, लास्ट टर्म दिया है, लास्ट पद दिया है 84, एक दिया रहता है पद, पद यानी दे दिया एन, लेकिन यहाँ पर पद नहीं दिया, कितने हैं गिन सकते हैं ये, लेकिन दिया है डॉट डॉट कह के कह रहे हैं कि 11 पद तक इसी तरह लिखना है, लेकिन इसमें तो नहीं कह रहे 84 पद तक, 84 तक लास्ट यानी टर्म आपका 84 है। हमें जोगफल निकालने के लिए तो पहले एन चाहिए, एन इसमें है, बोलिए एन इसमें कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एन पहले फाइंड करेंगे, एन कैसे फाइंड होगा, पहले एन का पता लगाइए तब उसके बाद एसएन का पता लगाइएगा, एन कैसे पता लगेगा देखते हैं, किस सूत्र में एन मिलता है, ए एन में एन मिलता है, ए एन बराबर होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है, तो एन मेरा मालूम है 84 है, 84 लिख दिए बराबर पहला पद 7 लिख दिए, एन नहीं मालूम है कितना पद है इतना लिख दिए, डी मालूम है 7 बटा 2 है ठीक है। अब 7 इधर प्लस में था तो इसके साथ प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 बटा 2, 84 में से 7 घटाए 14 में से 7 जाएगा 7, इधर बच जाएगा 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 बटा 2, तो ये 77 है तो कट जाएगा, कटा नहीं आता है, नहीं आता है तो 2 से गुना कर दीजिए, 7 ऊपर था इधर आएगा तो भागा में चल जाएगा, यानी कि 77 गुना 2 बटा में 7 बराबर एन माइनस 1 बचेगा, इधर ये गुना में था ना, इधर आएगा भागा में जाएगा तो 7 यहीं रह जाएगा, नीचे वाले कहते हैं ना पलट जाता है ऊपर, 11 सते 77, 11 दुनी 22
22 बराबर n माइनस 1, इसलिए n बराबर 1 को उधर भेज दीजिए, 22 एक 23, n आपका कितना आ गया 23। Sn हमें फाइंड करना है, n तो हम निकाल दिए 23 आ गया। अब Sn ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे Sn, ठीक है Sn अब ज्ञात करें। Sn कैसे निकलेगा, देखिए Sn का सूत्र बैठाइए। अब Sn, Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए Sn, Sn n कितना है 23, यानी 23वां पद ज्ञात करना है, 23 पदों तक 23 बटा 2 2 इंटू ए बोलिए 7 है, 7 प्लस n कितना आया था 23, 23 माइनस 1 d बोलिए कितना आया था d कहीं पर दिख रहा है, d आया है 7 बटा 2 7 बटा 2 तो चलिए 23 बटा 2 7 गुणे 14 प्लस 22 गुणे 7 बटा 2 11, 23 बटा 2 14 प्लस 11 77, 23 बटा 2 7 चार 11 7 एक 8 9 81 10 91 हो जाएगा। चलिए तो उससे कटेगा, उससे तो कटने लायक नहीं है, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे 29 गुना 91 बटा 2 गुना करके लिख सकते हैं, गुना करके लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, आगे चलते हैं। दो नंबर हो गया, इसके बाद अब चलें। चलिए तो इसके बाद देखें, गुना कर लीजिएगा, अगला है आपका क्वेश्चन 34, 32, 30 इस टाइप का है, 34, 32, 30 डॉट डॉट, लास्ट टर्म है जो आपका 10 है, ठीक है। लास्ट टर्म आपका कितना है 10 है, ठीक। चलिए तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले छांट लेंगे क्या क्या दिया है। ए मेरा दिया है 34 है, डी आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो दो दो घट रहा है, नहीं भी आता है तो निकाल कर देख लीजिए, दूसरा पद 32 माइनस पहला पद 34 कितना हो जाएगा, डी बराबर माइनस 2, एन ये आपका दिया है, ए एन दिया है, लास्ट टर्म आपका 10 है, एन नहीं 10 है लास्ट टर्म है, तो सूत्र पर बैठाइए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन 10 है, ए आपका 34 प्लस एन, एन नहीं मालूम है, पहले एन ही फाइंड करना है, पहले एन फाइंड करेंगे तब एस एन निकालेंगे, ठीक है। चलिए डी, डी आपको मालूम है माइनस 2 है, 10 बराबर 34 प्लस, ठीक है। अब इसको इधर कर देना, 10 34 को इधर ले आ दीजिए, माइनस 34 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 34 माइनस 24 हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस 34 12 दूनी 24, इसलिए एन बराबर 12 इधर आएगा, एक बढ़ जाएगा 13 हो गया, 13 हो गया। अब एस एन निकाल दीजिए, एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस 13 13 पदों का योग निकालना है, 13 बटा 2 2a a आपका है 34 प्लस n आपका आया है 13 माइनस 1 इंटू डी माइनस 2, 13 बटा 2 34 दुनिया 78
प्लस ये हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा 13 में लिख जाएगा 12, 12 में दूने दूना करें 12 दूनी 24, 13 बटा 2 78 माइनस प्लस माइनस 24 हो जाएगा, ठीक है। 13 बटा 2 इंटू 78 में से 24 घटा दीजिए, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, ठीक है। 78 दो से कटा दीजिए, 27 दुनी 54, 13 से 27 में गुना कर दीजिए, 13 गुने 27 कितना हो जाएगा, 13 सते 91 क्या 19, 13 दुनी 26, 26 से 9 35, 351 आपका आंसर हो गया दो नंबर। अब तीन नंबर देखिए, ठीक है, तीन नंबर दिक्कत है, गर्मी थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 34 दुनी 68, ठीक है, 68 यहाँ पर करिएगा, 68 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 22 दुनी 44, 22 में गुना करना है 13 से, 13 दुनी 26 का 6 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2, 13 दो 26 दो 28, 286 होगा, वहां पर थोड़ा मिस्टेक था, 34 दुनी 68 लिखा गया था 78, चलिए हो गया दो नंबर। अब तीन नंबर देखिए, तो तीन नंबर क्वेश्चन क्या है, तीन नंबर आपका है माइनस 5 माइनस 8 माइनस 11 इसी तरह चल रहा है, मिटा देते हैं इसको, तीन नंबर है माइनस 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस कितना हो गया 230, 230 यही ना, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ए आपका दिया हुआ है माइनस 5, क्लियर है। डी देखिए कितना है, डी यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, सेकेंड टर्म आपका माइनस 8 है, माइनस कर दिए फर्स्ट टर्म आपका माइनस 5 था, तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा डी इक्वल टू, ये लास्ट टर्म है ए एन दिया है माइनस 230, तो पहले एन फाइंड करना पड़ेगा तब ना ऐसे निकलेगा, तो पहले एन फाइंड करने के लिए ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब चलिए, ए एन आपका मालूम है माइनस 230 बराबर, ए आपको मालूम है माइनस 5 प्लस एन, एन नहीं मालूम है, डी मालूम है माइनस 3 है, इसको इधर लाइए 230 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस 3 230 माइनस 225 बराबर एन माइनस 1
इंटू माइनस तीन, ठीक है, इसको माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तीन इधर जाएगा काटेगा, सत्तर इक्कीस पचती है पंद्रह एन माइनस वन, इसलिए एन बराबर पचहत्तर है, इधर जाएगा तो छिहत्तर, एन छिहत्तर आ गया, ठीक है, एन छिहत्तर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एस एन, एस एन बराबर एन बटा टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एस कितना, छिहत्तर पदों का योग निकालना है, छिहत्तर बटा टू टू इंटू ए, ए आपका माइनस पांच है, प्लस एन, एन यानी छिहत्तर माइनस वन इंटू डी माइनस तीन, छिहत्तर में दो तो से भागा दे दीजिए, तीन दुनी छ आठ दुनी अड़तीस हो जाएगा, चलिए माइनस पाँच दुनी दस प्लस ये पचहत्तर हो जाएगा, छिहत्तर में से एक जाएगा कितना हो जाएगा पचहत्तर में तीन से गुना कीजिएगा, पचती पंद्रह सत्तर इक्कीस एक बाईस दो सौ पच्चीस, इसमें गुना आएगा माइनस दो सौ पच्चीस हो जाएगा, माइनस क्यों हुआ, माइनस का चिन्ह है, पचहत्तर में तीन से गुना कीजिएगा दो सौ पच्चीस और हो गया ये आपका माइनस, चलिए अड़तीस, अड़तीस हो गया माइनस दस, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस दो सौ पच्चीस, तो अड़तीस गुना माइनस दस माइनस दो सौ पच्चीस माइनस दो सौ पैंतीस, ठीक है, और दो सौ पैंतीस में गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना माइनस में आपका आंसर आएगा, ठीक है, ये आपका था तीन नंबर। चलिए आगे, अब चलिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, आप उसको गुना कर लीजिएगा, अड़तीस में दो सौ पैंतीस से जितना आ जाए वही आपका आंसर होगा, आंसर मिला लीजिएगा आंसर बुक से, ठीक है। चलिए आगे तीन नंबर, तीन नंबर चलते हैं, आप तीन नंबर में दिया है एपी में है, तीन का फर्स्ट एपी में कर रहा है, ए बराबर फाइव डी बराबर थ्री एन बराबर पचास, ए बराबर फाइव डी बराबर थ्री एन बराबर आपका है पचास, ठीक है, और दिया है एन और एस एन ज्ञात करना है, कह रहा है कि एन पहले फाइंड कीजिए तब एस एन फाइंड कीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं, पहले एन फाइंड करने के लिए कोई सूत्र ऐसा देखना है जो एन एन हो, तो एन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन आपका है पचास बराबर ए आपका है फाइव प्लस एन आपका कितना है नहीं मालूम है, डी मालूम है थ्री है, पचास बराबर पाँच, पाँच को इधर ले आ देते हैं, बराबर एन माइनस वन इंटू थ्री, पैंतालीस बराबर एन माइनस वन इंटू थ्री, तीन इधर जाएगा तो भागा में जाएगा कट जाएगा, पंद्रह दिया पैंतालीस, इसलिए एन बराबर एक को उधर भेजेंगे, पंद्रह एक सोलह, एन बराबर कितना हो गया सोलह, ठीक है। अब एस एन का आप लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एस एन देखिए, तो अब एस एन बराबर क्या चलता है, एस एन बराबर होता है एन बटा टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बोलिए कितना, एस सिक्सटीन निकालना है, सोलह बटा टू टू इंटू ए, ए आपका फाइव है, प्लस एन सिक्सटीन माइनस वन, डी आपका कितना है, डी आपका थ्री है, यही ना है। चलिए देखिए तो कट जाएगा, आठ दुनी सोलह आठ हो गया, पाँच दुनी दस प्लस पाँच सोलह में से एक जाएगा पंद्रह, पंद्रह में तीन से गुना कर दीजिए, पंद्रह दिया पैंतालीस, आठ इंटू पैंतालीस दस पचपन, ठीक है, पचपन में आठ से गुना कर दीजिए, आठ पाँच चालीस के जीरो चार, आठ पाँच चालीस है चार चौवालीस, आपका एस सिक्सटीन आ गया, मैंने सोलह पदों का जो, ठीक है। आगे चलिए दो नंबर,
एन निकाल दिए हैं, 16 है, एस एन आगे गया। दो नंबर चलिए क्या फाइंड करना है देख लीजिए, ए बराबर 7 है, हो जाएगा देख लीजिए 7 एम बराबर 35, डी और एस एन ज्ञात करना है, ठीक है। ए 7 दिया है, ए कितना नंबर, 2 नंबर, ए बराबर 7 दिया है, ए एन दिया है 35, ठीक है, ए एन 35 दिया है और ए 13 35 दिया है और डी और एस 13 निकालना है, ए 13 डी फाइंड करना है, एस 13 13 पदों का जोग ज्ञात करना है, तो डी फाइंड हो जाएगा। देखिए तो कैसे सॉल्व हो करेंगे, देखना है हमें, डी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं 13 का दिया है, यानी यह 13वां पद है, ए 13 का मतलब होता है ए प्लस 12 डी होता है, ए 13 का मतलब 13वां पद, ए 12 का मतलब 12वां पद, ए 5 का मतलब 5वां पद। तो 5वां पद हम जानते हैं ए प्लस 4 डी होता है, इसलिए 13वां पद भी हम लोग जानते हैं ए प्लस 12 डी। तो ए 13वां पद आपका दिया है 35 है, बराबर ए मालूम है 7 है प्लस 12 डी, 35 में से इसको घटा दीजिए 7 को, 12 डी, बोलिए 35 में से 7 जाएगा 28 बराबर 12 डी, इसलिए डी बराबर 28 बटा 12, ठीक है। 4 × 12 = 4, 4 × 7 = 28, यानी 7/3 आ रहा है आपका डी, डी कितना रहा 7/3, दो नंबर क्वेश्चन है ना, डी 7/3 आ गया, ठीक है। अब इस पर एस एन निकाल दीजिए, डी बराबर 7/3, एस एन अब फाइंड कर दीजिए, एस एन एस कितना निकालना है जी, एस 13 निकालना है, ठीक है। एस 13 का मतलब 13 पदों का जोग, तो 13 पदों का जोग यानी कि एन बटा 2 होता है ना, यानी कि एस एन का सूत्र होता है एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 13 है तो 13/2, एन के जगह पर 13 है 2, ए आपका मालूम है 7 प्लस एन 13 है माइनस 1, डी मालूम हो गया है 7/3, ठीक है। तो 13/2 7 × 14 प्लस ये हो जाएगा 12, 12 × 7/3 हो जाएगा, 13 में से जाएगा 12, 7/3 12 हो जाएगा, 13/2 14 प्लस 7 × 28, 13/2 इंटू 28 10 × 4 = 32 है, और 10 = 42 हो जाएगा ना, 21 × 42 13 × 1 = 3 हासिल 1 × 13 = 26 है 1 × 27 = 273 एस 13 आ गया 273, दो नंबर। इसके बाद तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किसी टाइप का तीन नंबर भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखिए, आवाज साफ आ रहा है। आगे तीन नंबर देखिए, ये आपका 12, ये 12 दिया 37, तीन नंबर ये 12 दिया है, यानी 12 पद है, 12वां पद 37 दिया है, डी आपका 3 है और ए और एस 12 ज्ञात करना है, ए और एस 12 ज्ञात करना है 12। चलिए तो देखिए ए 12 सॉल्व करते हैं, ए 12 का मतलब समझ रहे हैं 12वां पद,
तो बारहवां पद को हम लोग कहते हैं ए प्लस ग्यारह डी कहते हैं। तो बारहवां पद दिया है 37 बराबर, ए नहीं मालूम है, 11 इंटू डी मालूम है 3, तो 37 बराबर ए प्लस 11 दिया 33। 33 को इधर लाएंगे तो 37 है, 33 जब इधर आएगा तो माइनस बराबर ए इधर बच गया, 37 में से 33 गया 4, यानी कि ए बराबर आपका आ गया 4। अब आपको निकालना है एस 12, यानी कि एस एन के फॉर्मूला पर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एस 12 बटा 2 2 इंटू ए आपका कितना है, ए आपका 4 आ गया प्लस एन नहीं मालूम है, मालूम है 12 पदों का योग निकालना है, ठीक है एन 12 है, 12 माइनस 1 डी आपको मालूम है 3, डी आपको मालूम है 3, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, 6 बार में कटेगा 4 दुनी 8 प्लस 12 में सीख जाएगा 11 दिया 33, तो 6 गुने 33 8 कितना हो जाएगा 41, तो 6 हो गया 6 चौका 24, 246 आंसर हो गया एस 12, ठीक है 33 8 41 6 गुना में 6 6 6 24 246। आगे चलिए 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर क्या कर रहा है, 4 नंबर आपका 4 नंबर दिया है ए 3 बराबर 15 दे दिया है और एस 10 दिया है डी, और इतना डिफाइंड करना है बड़े मिटा देते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर ए कितना, ए आपका 3 दिया 15 है, ए 3 15 और दिया है एस 10 दिया 125, एस 10 125, ठीक है डी और ए 10 निकालना है, डी फाइंड करना है ए 10 फाइंड करना है, ठीक है इसी को फाइंड करना है, सॉल्व करें। चलिए ए दिया है ए 33 का मतलब क्या होता है, ए 3 का मतलब होता है ए प्लस 2d, ए 3 का मतलब तीसरा पद दिया है, तीसरा पद को हम लोग अपने भाषा में कहते हैं ए प्लस 2d बोलते हैं। चलिए तो ए 3 बराबर दे दिया 15, इधर हो गया ए प्लस 2d, यानी कि या हम लोग कह सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 15, समीकरण ये आप एक मान लीजिए, क्या मान लेंगे समीकरण एक। अब आपको एस टेन दिया है, ठीक है एस टेन का मतलब समझते हैं 10 पदों का योग 135 दिया है, 10 पदों का, तो क्या सूत्र होता है एन, एन एन 10 पद है तो 10 बटा 2 टू ए प्लस एन, एन यानी कि कितना 10 माइनस 1 डी, डी मालूम है नहीं मालूम है डी को छोड़ दीजिए। चलिए तो एस 10 तो दिया है 125, ये हो गया आपका कितना 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 10 में से क्या 9 डी गुना हो जाएगा 19, ठीक है 5 को इधर भेजेंगे, ठीक है 5 इधर जाएगा तो किस में जाएगा गुना में भागा में चल जाएगा कट जाएगा 5 दूनी 10 25 हो जाएगा बराबर 2a प्लस 9d, या इसी को कहते हैं 2a प्लस 9d बराबर आपका 25 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब बोलिए समीकरण 1 और 2 से आप फाइंड कर सकते हैं a
ए निकलेगा या डी निकलेगा, तो डी निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए समीकरण एक एवं दो से, एक एवं दो से चलते हैं, तो एक आपका है a प्लस टू डी बराबर 15 है, ये आपका है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 है, ये 1 है ये 2 है, ठीक है। अब देख रहे हैं इसमें टाइम नहीं कर रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, दो से गुना कर देंगे, इसमें एक से दो से गुना करेंगे, इसमें तो 2a हो जाएगा, दो दुनी 4d हो जाएगा, 15 दुनी 20 हो जाएगा, ये आपका दो एक से गुना करेंगे, कोई इस पर अंतर नहीं पड़ेगा, पड़ेगा नहीं। देखिए तो घटा दें, हाँ घटाने पर घटा दीजिए, माइनस 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 31 हो गया, बोलिए ये कितना, 9 में से 4 जाएगा 5, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, 30 में से 25 जाएगा 5, तो डी बराबर 5 बटा में माइनस 5 31 हो जाएगा, डी बराबर माइनस 1 आ गया, डी बराबर माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डी बराबर निकल गया, 18 ज्ञात करना है, ठीक है, 10 दशमा पद, तब समीकरण एक से निकाल लीजिए, समीकरण एक से, समीकरण एक था a प्लस टू डी बराबर 15, a प्लस टू डी बराबर 15 था, a प्लस टू इंटू डी आ गया है माइनस 1 बराबर 15, तो a प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा बराबर 15, तो 2 को उधर भेज देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 17, a बराबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो क्या निकालना है, ए 10 निकालना है, ए 10, ए 10 यानी कि दसवां पद, दसवां पद को कहते हैं ए प्लस 9d, बोलिए ए आपका कितना आया है, 17 प्लस 9 इंटू डी कितना आया है, माइनस 1, बोलिए 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9, 8 17, 8 आ जाएगा, ठीक है। चार नंबर 8 आ गया, चलिए ठीक है आगे बढ़िए। अब 5 नंबर, मिटा दे इसको, बढ़े 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए बुक से, क्या है 5 है, डी बराबर आपको 5 दिया है, डी बराबर 5, ठीक है, एस एन बराबर, एस एन बराबर दिया है 75, ए और ये है ए और ए एन निकालना है, ए और निकालना है, ए 9 निकालना है, ए 9 दो चीज इसमें फाइंड करना है। चलिए तो अपने से देखिए तो कहीं कि कौन से फॉर्मूले पर कौन सा फाइंड करेंगे, एस 9 दिया है, एस 9 का मतलब होता है क्या, 9 पदों का योगफल दे दिया है 75, तो योगफल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि अगर एसएन का अगर सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो अगर हम यहाँ एन के जगह पर क्या रखते हैं 9, यही ना एस 9 है, एस 9, तो एन के जगह पर 9 रखना है, डी के जगह पर 5 रखना है, तो टू ए प्लस एन के जगह पर 9 माइनस 1, डी के जगह पर कितना रखना है 5, ए का वैल्यू नहीं दिया है वही फाइंड करना है, एस 9 तो हमें दिया है 75, एस 9 75, 9 बटा 2,
टू ए प्लस नौ में से क्या आएगा आठ, आठ में पांच से गुना करेंगे आठ पचे चालीस तो 75, ठीक है। अब इसको टू को इधर ले आ देंगे, दो से गुना हो जाएगा, ठीक है। ये बाटा में आपका नौ चल जाएगा, इधर से जब इसको करेंगे बाटा में था तो इधर गुना में, ये गुना ऊपर था गुना में तो इधर नीचे बाटा में, बराबर हो गया टू ए प्लस चालीस, ठीक है। ये कटने लायक है, कट जाएगा तो कटा दीजिए इसको, कितना हो जाएगा तीन के नौ और तीन दूनी छः और पच्चीस हो जाएगा, पच्चीस तीन पचहत्तर तीन के नौ, तो अब चलिए कितना हो गया पच्चीस गुना टू बटा थ्री, इधर देखिए टू कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बीस हो जाएगा, ए प्लस बीस टू टू समाप्त हो जाएगा, तो पच्चीस बटा तीन ए बराबर है, इधर बच गया पच्चीस बटा तीन, इधर हो गया ए प्लस बीस, ठीक है। तो उधर से हम क्या करेंगे बीस को इधर लाएंगे, तो पच्चीस बटा तीन माइनस बीस इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर ए हो जाएगा। तब बोलिए ए बराबर कितना हो गया, इसको बाटा पर जोड़ बना दीजिए, तीन हो जाएगा, तो ये हो गया पच्चीस माइनस ये तीन है ना, अब इसी आई साठ, पच्चीस साठ बोलिए माइनस पैंतीस बटा तीन, ए बराबर माइनस पैंतीस बटा तीन, क्वेश्चन नंबर फाइव था, फाइव ए बराबर आ गया आपका माइनस पैंतीस बटा तीन, ठीक है। अब हमें निकालना है ए नाइन, निकालना है ए नाइन, ए नाइन, ए नाइन का मतलब समझते हैं, ए नाइन का मतलब होता है ए नाइन का नौवा पद, तो ए नाइन का मतलब हो गया ए प्लस आठ जी, ठीक है, यानी नौवा पद निकालना है, ए नाइन का मतलब होता है नौवा पद, तो ए प्लस आठ डी, तो ए नाइन, ए नाइन ए आपका है माइनस पैंतीस बटा तीन प्लस आठ गुना डी, आपको मालूम है डी है आपका फाइव, माइनस पैंतीस बटा तीन प्लस आठ पचे चालीस, बोलिए इसको बना सकते हैं बाटा पके जोड़ घटाओ, तीन हो जाएगा माइनस पैंतीस प्लस तीन हो जाएगा तो चलती है बारह, एक सौ बीस, एक सौ बीस में से पैंतीस को घटा दीजिए, दस में से पाँच गया पाँच, इधर ग्यारह में से तीन गया आठ, ठीक है, पचासी बटा तीन, ए नाइन आपका आ गया पचासी बटा तीन, यही आपका आंसर हो गया पचासी बटा तीन हो गया। आगे छह नंबर देखिए,